नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 28 फरवरी 2023 लास्ट डे कल और फाइनेंशियल निफ्टी का भी एक्सपायरी, देखते हैं क्या हुआ। वेल, निफ्टी में देखा जाए तो जो चार्ट देख रहे हैं हम, उसके हिसाब से लगता है कि निफ्टी है एक डबल बॉटम बना है। यहाँ पर वो 17,300 के आसपास मिला, वहीं से एक सपोर्ट मिला है। अपू मिल सकता है, अपू मिलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, 17,500 और 17,600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक जा सकता है। अब तक तो ये मूव जो मूव दिखा रहा है निफ्टी का, एक रिएक्टिव मूव नजर आता है। इसका मतलब जस्ट एक रिएक्शन है, शॉर्ट कवरिंग है। और बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी बनी, उसका रीजन ये था कि एक डबल बॉटम बना और जो डबल बॉटम बना है हायर बॉटम बना है यहाँ पर, तो वो संकेत दे रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। उससे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 40,100 के आसपास, उसके बाद 39,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ। एक बात तो पक्की है, जब तक 39,800 बरकरार है, अपमू ऑन है। अपमू कहाँ तक जा सकता है, पॉसिबल है, मुझे लगता है ये करीब शायद यस मार्क करना है 40,600, मैं लिख लेता हूँ यस 40,600 टू 41,000, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक जाने की। 40,600 मार्किंग कहाँ है, लिखता हूँ 40,600 टू 41,000, ये एक चांस है यहाँ तक जाने का, संभालने का, क्वाइट पॉसिबल। वहाँ जाता है नहीं जाता, फिर देखेंगे। जब तक ये 40,100 बरकरार है, अपू का एक चांस है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करें, निफ्टी में अगर डिप मिलती है तो वायबल है, लेकिन 17,300 का स्टॉप होना चाहिए। और 17,300 ब्रीच हो जाएगा निफ्टी में तो लगातार स्ट्रेट हम देखेंगे 17,000 तक भी जाता है आते दिन में बाय थर्सडे। तो वीकनेस तो है, ये अपू में फेक अपू है, माइल्ड शॉर्ट कवरिंग है। 17,300 ब्रीच, 17,000 पॉसिबल, या फिर अगर फ्लैट खुला तो पॉसिबल है कि 17,500 जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी 40,100 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक 40,100 के ऊपर है, अप मूव ऑन है, और हो सकता है 40,600 टू 41,000 भी जा सकता है। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। सिंपल गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये क्या हो गया।